एक सामान्य विस्तार से बता रहा हूं, संक्षेप में बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। विषय दूसरा है इसके अलावा। दूसरा विषय पर आने से पहले तीसरी बात सुनिए, आजकल जिसके घर में अमेरिका आदि में गाड़ी होती है उसको संपन्न माना जाता है। हमारे यहां पर संपन्न, थोड़ा सा भी कोई संपन्न व्यक्ति होता था रामायण काल में तो उसके घर में मोनोप्लेन होते थे, जिसको आज मोनोप्लेन आप कहते हो, अर्थात जो हवाई जहाज होते थे, छोटे छोटे हवाई जहाज उस पर उस समय पर अनेक घरों में होते थे। आप रामायण पढ़ेंगे सैकड़ों बार आपको विमानों का जो है पता चलेगा किस प्रकार से विमान इधर उधर आते जाते थे। सुग्रीव आदि की जो सेना थी, वनों में विचरण करने वाले लोग थे, सुग्रीव के मामा थे, जो मधु जो वहां पर वन था उसकी रक्षा सुरक्षा करते थे। वो जब भी सुग्रीव आदि के पास आते थे तब विमान में आते थे, नीचे आप ये श्लोक देख रहे होंगे, जाते थे तब विमान में जाते थे। पुष्पक विमान का नाम किसने नहीं सुना, जब पुष्पक विमान में सीता जी को लंकेश की अनुमति से जो राक्षसी थी वो जो दिखा के लेकर आई कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण का जो है हश्र हमने कर दिया, वो मूर्छित है, उनकी सेना को हम मार रहे निरंतर, तुम जाकर स्वयं देखाओ। तो जब सीता माता पुष्पक विमान में बैठकर और आगे बढ़ने लगी तब कहा कि क्या श्री राम और लक्ष्मण जीवित है, तो उन राक्षसियों ने एक बात कही, नीचे श्लोक देख रहे होंगे, कि यदि श्री राम और लक्ष्मण मर जाते तो पुष्पक विमान तुम्हें लेकर उड़ता नहीं। आगे आता, क्योंकि विधवाओं को लेकर पुष्पक विमान नहीं उड़ता था। अर्थात आज भी जिस विमान का कितनी ज्ञान विज्ञान उच्च परंपरा है, आज भी ऐसे विमान बना नहीं पाए हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज भी उपस्थित नहीं हो पाई है। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा ज्ञान और विज्ञान रामायण काल में था 9 लाख साल पहले आज से। तो इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान ये मैंने मुख्य रूप से बताया है, इसमें मैं भेद करना चाहता हूं, आज जो साइंस है और उस समय जो साइंस थी इसमें अंतर क्या। आज की ज्ञान विज्ञान की परंपरा साइंस टेक्नोलॉजी अधूरी है, केवल 100 वर्ष की साइंस टेक्नोलॉजी ने और इस आधुनिकतावाद के युग ने, इस औद्योगिकरण ने इस संसार को, इस पृथ्वी को मृत प्राय बना दिया, इसमें जीने लायक कुछ छोड़ा नहीं है। हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं है, इससे प्राप्त क्या हुआ। यदि आज संसार में युद्ध छिड़ जाए, सारे देश एक साथ युद्ध में लड़ने लग जाए तो इस संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा। और उस समय ज्ञान विज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की ऐसी परंपरा थी कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था और घातक इनसे 10 गुना ज्यादा थे। एक बार गंधर्वास्त्र छोड़ा और हजारों लोगों की जान उस गंधर्वास्त्र ने ले ली, एक एक लोग को, लेकिन उससे कोई प्रदूषण नहीं हुआ। इस प्रकार की तोप नहीं थी जिस प्रकार से आज, और आज एक तोप का गोला छोड़ दिया पता नहीं एक को मारेगी, एक को भी नहीं मारेगी, या 200 को मारेगी, कितनों को मारेगी, कोई अता पता नहीं है, और उससे प्रदूषण कितना होगा जानिए। तो इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे कि इस पृथ्वी माता को, इस धरती को, इस पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ये अंतर था आज की साइंस में और उस समय की साइंस और टेक्नोलॉजी में। हर घर में जो भी थोड़ा संपन्न होता था, विमान होते थे, इतनी संपन्नता थी। और आज संपन्नता यह है कि जिसके घर में गाड़ी हो संपन्न माना जाता है। कितना अंतर था उस समय की ज्ञान में, विज्ञान में और आज के ज्ञान और विज्ञान में। कौन कह सकता है कि रामायण में केवल गाय भैंस चराने वाले चरावा होते थे और रामायण काल में केवल और केवल सांप गभेरे से खेलने वाले और लकड़ी के तीर और धनुष चलाने वाले होते थे। कोई नहीं कह सकता। जितने श्लोक दिए सारे के सारे रामायण से दिए हैं। आज के बाद किसी में हिम्मत नहीं होगी कि इस प्रकार से ये ज्ञान विज्ञान बीच बीच में लुप्त होती रहती है। आज यदि महाभारत के युद्ध की भांति युद्ध छिड़ जाता है तो समस्त संसार की ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाएगी। और कुछ यदि साइंटिस्ट बच भी जाएंगे तो साइंटिस्ट तो साधन जुटाएंगे, तब तक उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगली पीढ़ी केवल वो आ जाएगी जिनको कोई अता पता नहीं, कोई प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार से एक कालचक्र चलता रहता है। ये साइंस टेक्नोलॉजी अगले 50 साल में 100 साल में नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद फिर से इसी प्रकार से जो एक सामान्य जीवन यापन करने वाले व्यक्ति रहेंगे और फिर से ज्ञान विज्ञान उच्च परंपरा चलती रहेगी। इसीलिए वेद विज्ञान बहुत जरूरी है। यदि वेद उपस्थित है तो व्यक्ति वेदों से ही आगे बढ़ते, उसी से ज्ञान विज्ञान बार बार निकाल लेते हैं। अन्यथा तो लाखों करोड़ों साल, 1,96,83,118 वर्ष चल रहा, इतने वर्षों में अनेक जल पलावन हुए हैं, अनेकों महाभारत से भी भयंकर भयंकर युद्ध हुए हैं, सारी सृष्टि से ज्ञान विज्ञान की परंपराएं लुप्त होती रही है, लेकिन वेद ज्ञान चलता रहता है। मनुष्य उस वेद से ज्ञान और विज्ञान की उन्नति पुनः कर लेता है। इसी प्रकार से होता है। आज 100 साल में ज्ञान विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली है, लेकिन अगले 50 साल की भी हमें जो है कागज पर लिखकर मोहर नहीं मार सकते कि ये ज्ञान विज्ञान इसी प्रकार से चलता रहेगा। आज परमाणु युद्ध हो जाए और समस्त संसार उसके इर्द गिर्द घिर जाए तो इस संसार में कोई ज्ञान विज्ञान वाला रहेगा नहीं। कुछ लोग रहेंगे और साधन जुटाएंगे, तब तक उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों